सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज अपना स्कॉट्स डे है और मैं इस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने स्कॉट्स करी नहीं, और बीच में जब 1-1.5 महीने ठीक होने के बाद मैंने स्कॉट्स करी भी तो मैंने लाइक हल्के वेट से करी, 10-10, 20-20 से। और आज काफ़ी टाइम बाद स्कॉट्स का पीआर चेक करूंगा क्योंकि अब मेरे को अपनी लिफ्ट बढ़ानी है। मैंने डेडलिफ्ट, बेंच और स्कॉट्स तीनों का पीआर चेक करूंगा। डेडलिफ्ट स्कॉट्स का हो चुका और डेडलिफ्ट और बेंच का हो चुका, स्कॉट्स अभी करेंगे। और मैं पिछली बार ही कर लेता बट नी कैप्स थी नहीं मेरे पे, और अब न्यू कैप जो थी वो लूज़ हो गई थी, तो अब न्यू नी कैप्स लेके आऊँ। आपको दिखाता हूँ, आ जाओ, ये देखो डब्बे में पड़ी हुई है, पैक खोली भी नहीं है, कल ही लेके आया हूँ। अभी मैं आपको खोलता हूँ, प्रॉपर दिखाता हूँ। तो ये देखो खोल के से नी कैप्स रही सेट आओ, ये देखो। और ये भाई बहुत सही है, लाइक मतलब लार्ज साइज़ है क्योंकि थाई के हिसाब से मैं लार्ज ही लाया, और बहुत बढ़िया है, मैंने पहन के भी देख चुका हूँ वहीं पर। तो अभी चलेंगे, और तो भाई यही थी, और अभी चलेंगे फटाफट जिम और मैं आपको दिखाऊंगा बढ़िया से आज कैसे प्यार। बस होप है कि जितना सोचा उतना आ जाए, बाकी फिर वहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद प्रोग्राम भी देखेंगे कैसे सेट करना है और कैसे लिफ्ट्स बढ़ाने। तो पहुंचता हूँ आपको जिम मिल के। सो भाई अब स्टार्ट करेंगे, और ये हल्की वाली बार लगी हुई है देखो पीछे, इसके रैक पे ये हटाएंगे और भारी वाली लगाएंगे जो भारी वाली नीचे पड़ी है, और इससे स्टार्ट करेंगे। अभी फटाफट से स्टार्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, आ जाओ। Thank you.
भाई आज लिया हमने प्यार, क्योंकि मैंने बेंच का प्यार नहीं रखा, डेडलिफ्ट का ले रखा, स्पोर्ट्स का प्यार का लिया नहीं था। तो जो नी प्रॉब्लम, आपको सबको पता है कि मेरे को नी प्रॉब्लम थी डेढ़ दो महीने तीन महीने पहले, तो मैं हल्के वेट से करता। आज ये है 110 kg यानी 110 किलो है, 110 किलो प्यार लिया, सेल्फ आ गया, नीचे भी पूरा गया था जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी जो मेरी मेरी डेप्थ अच्छी गई है, बाकी आपको कमेंट में बता देना डेप्थ सही थी नहीं थी वो आप बताओगे। और अब मैंने डेडलिफ्ट स्क्वाट बेंच प्रेस भी यार ले चुका हूँ, अब इन पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। आने वाले 3-6 महीने में मेरे कुछ गोल्स हैं, मतलब ऐसे प्रोफेशनली नहीं है बट ये मेरा पैशन है, तो उस हिसाब से मैं देखूँगा मेरे को कितना ज़्यादा आगे बढ़ाना है और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ाऊँगा। और आप बताना इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, और क्या बोलते हैं थोड़ी नसीब अच्छी थी इस साइड की मेरी एंड के पीआर में, थोड़ा देखा डर टफ है क्योंकि काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ, बट अब नी भी ठीक है, थोड़ी आवाज़ आ रही है वो चलता है, बट आने वाले टाइम में इम्प्रूव करेंगे। और आप पूरा देखना क्योंकि इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे, तो आने वाले टाइम में आपको बताने इम्प्रूव हुई है। आज से 3-6 महीने बाद अब प्रैक्टिस करूँगा मैं थोड़ा सीरियस होकर, क्योंकि अब गेनिंग शुरू कर दी है मैंने वापस से। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी डाल दूंगा अपनी कटिंग की और गेन की, बाकी बताने इम्प्रूवमेंट है नहीं है पहले से, और आगे और भी करेंगे। बाकी अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ लेग्स वगैरह की, आज बस स्पोर्ट्स भी आप दिखाया, बाकी दूसरी एक्सरसाइज भी करनी है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये वीडियो मैं यही खत्म करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा, तो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा मैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और तुम्हारे भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मेरी आइडिया करण लिफ्ट्स के नाम से न्यू आईडी बनाई है मैंने, उस पर सिर्फ फिटनेस कंटेंट है। कुछ भी पूछना हो मेरे को डीएम कर देना, डाइट से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वहाँ जाकर डीएम करना। बाकी अगले ब्लॉग में मिलेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।